हेलो क्लास नाइन, आई एम रश्मि विश्वकर्मा एंड दिस इज़ योर हिंदी क्लास। टुडे वी विल रीड क्षितिज। बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें दो पार्ट में मैंने कबीर की लिखी हुई साखियों को एक्सप्लेन किया है, और यह तीसरे पार्ट में मैं कबीर के लिखे हुए शब्द हैं, जो दो शब्द हैं आपके चैप्टर में, उसको मैं उसका भावार्थ में बताऊँगी। तो पहला शब्द मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला शब्द है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली हो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। आत्मा जो होती है वो परमात्मा की खोज में लगी रहती है। आत्मा का लक्ष्य ही होता है परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। और ईश्वर जो है वह उसका कोई एक निवास स्थान नहीं डिसाइड किया जा सकता। कबीर दास इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति ईश्वर को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वह स्वयं में ही ढूंढने की कोशिश नहीं करता जहाँ पे उस ईश्वर का वास्तविक निवास स्थान है। इस दोहे में आत्मा और परमात्मा के बीच की वार्ता को कबीरदास ने लिखा है कि वह परमात्मा, वह ईश्वर मनुष्य से या आत्मा से कह रहा है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे ही पास में हूँ। यह बातें ईश्वर कह रहे हैं या परमात्मा कह रहे हैं आत्मा से या मनुष्य से कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे में हूँ। काबे का अर्थ है काबा, जो मुसलमानों का तीर्थस्थल है, और कैलाश मतलब कैलाश मानसरोवर जो होता है वो कैलाश हिंदुओं का तीर्थस्थल। तो ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ और ना कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, न ही मैं किसी प्रकार के विशेष क्रिया कर्म में हूँ, यज्ञ हुआ, गेरुआ वस्त्र पहनना हुआ, यज्ञ वो क्या कहते हैं मुंडन संस्कार, बाल मुड़वा लेना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं मैं उनसे भी नहीं प्राप्त हो सकता, नहीं योग बैराग में, और न ही मैं किसी योग और बैराग के माध्यम से प्राप्त हो सकता हूँ। योग साधना और बैराग का मतलब है पारिवारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी हो जाए तो लोग सोचते हैं ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ईश्वर स्वयं बोलते हैं कि नहीं, मैं इन चीज़ों से नहीं प्राप्त हो सकता। खोजी होए तो तुरते मिलो, ईश्वर फिर आगे भी बताते हैं कैसे हम मिल सकते हैं। तो बताते हैं कि यदि कोई सच्चा खोजने वाला हो तो तुरते मिली हो, तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में, थोड़ी सी देर की तलाश में ही मैं मिल जाता हूँ यदि कोई सच्चे हृदय से मुझे ढूंढे तो। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में, कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि हे संतों या हे मनुष्यों, ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में है, सब हर आती जाती श्वास की तरह ईश्वर हमारे भीतर समाया हुआ है। अर्थात हर मनुष्य में ईश्वर का वास है और हर जगह वो है, हम उसे किसी विशेष जगह पर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें हम उसे सच्चे मन से ढूंढें तो वो हमारे अंतर मन में ही प्राप्त हो सकता है। इस पद से रिलेटेड कुछ विशेष, सबसे पहले तो इसमें विशेष यही है कि कबीर या प्रेरणा दे रहे हैं कि ईश्वर को अंतर्मन में खोजा जाए। दूसरा, उनके अनुसार बाह्य आडंबर भी व्यर्थ है, और इस पद में जगह जगह अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है।